हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा ग्रुप सी यानी फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में। आपको पूरी डिटेल दूंगा, गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं, प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से हैं, टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं और कितनी फ़ीस लगने वाली है, तो इस सब के बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा। तो यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना यार, क्योंकि यार जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे यार, जब व्यूज़ अच्छे आएंगे तभी यार मैं भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना पाऊँगा। तो ये काम आप ज़रूर कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ग्रुप सी के लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो देखिए, फैशन ग्रुप सी में आप देख सकते हो फैशन डिज़ाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल डिज़ाइन और टेक्सटाइल डिज़ाइन प्रिंटिंग, ये 3 वर्ष का है और होम साइंस 2 वर्ष का है। तो और फिर यहाँ पे देखिए जो इसके लिए एलिजिबिलिटी है 10वीं कक्षा, न्यूनतम 35%। तो ये सब आप फुलफ़िल करते होंगे तभी आपने अप्लाई किया हुआ था। अब मैं इसकी डिटेल्स आपको बताता हूँ आगे। तो सबसे पहले मैं आपको कॉलेजेस के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के बारे में आपको सबसे पहले अगर बताऊँ तो देखिए, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक उत्तर, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, ये तो स्टेट वाइज है, मैं आपको यूपी में केवल बताता हूँ। देखिए यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज इन उत्तर प्रदेश, तो अगर मैं आपको उत्तर प्रदेश में बताऊँ पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो यहाँ पे देखिए आरिका ज्ञानवती गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक फैजाबाद, चंदौली पॉलिटेक्निक चंदौली, छत्रपति साहू जी महाराज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अम्बेडकर नगर, और चौधरी मुख्तार सिंह गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक मेरठ, और डीजे पॉलिटेक्निक बड़ौत, मतलब बड़ौत है, और देवनागरी पॉलिटेक्निक मेरठ, डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये कानपुर में है, फिरोज गांधी पॉलिटेक्निक ये रायबरेली में है, रायबरेली में, गांधी पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक बलिया, हेवल्ट पॉलिटेक्निक लखनऊ, जनता पॉलिटेक्निक जहांगीरबाद, जहांगीराबाद कुछ ऐसे ही लिखा है, ओके, जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक सीतापुर, और प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो देखिए यार, टॉप कॉलेजेस की अगर बात करें तो जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मैंने आपको नाम बताए हुए हैं, ओके, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, मैं धीरे धीरे रोल कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ये जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन किसी में से भी आपको एडमिशन मिल जाता है, ये गवर्नमेंट भी हो सकते हैं और एडेड भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इनमें आपको एडमिशन मिल जाता है, अगर आपके नंबर कम भी हैं तो ये काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं, सभी कॉलेज बहुत ही अच्छे हैं फैशन डिज़ाइनिंग के लिए, ओके। तो मैं आपको प्राइवेट कॉलेज के बारे में बताता हूँ जो यूपी हैं, अरिका रुचिज इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स, पल्स एकेडमी नोएडा, और ड्रीम जोन स्कूल ऑफ क्रिएटिव स्टडीज़ हज़रतगंज, एमिटी स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी नोएडा, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न नोएडा, कोहिनूर टेक्निकल इंस्टीट्यूट मोदी नगर, और संस्कृति इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी मथुरा, सत्यम फैशन इंस्टीट्यूट फॉर गर्ल्स नोएडा, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ मेरठ, और विद्या नॉलेज पार्क मेरठ। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलेज थे, ये तो प्राइवेट सेक्टर के हो गए, और उसके ऊपर मैंने आपको बताए थे जो गवर्नमेंट कॉलेज थे। अगर अलाहाबाद में कॉलेज देखें तो जो कॉलेज हैं इन सब के लिए, यहाँ पे हैं रिका रुचि इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स, चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, सैम हिगिन बटन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सॉरी टेक्नोलॉजी एंड साइंस, और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये सारे इंस्टीट्यूट, ये जो हमने कॉलेज बताए ये इलाहाबाद के हैं, और इसके ऊपर जो मैंने कॉलेज बताए थे ये वाले, ये प्राइवेट सेक्टर के आपके कॉलेजेस हैं। और जो टॉप कॉलेजेस अगर आपको एडमिशन मिल सकता है तो ये है पॉलिटेक्निक, जितने मैंने आपको बताया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, ये सारे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो ये काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं, सभी कॉलेज जितने हैं सभी बहुत ही अच्छे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेज हैं। अब ये सारी डिटेल्स हो गए, अब मैं आपको फ़ी के बारे में बता दूँ कितना फ़ीस लगने वाला है इसके में। तो यार, अगर फिर फीस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो आपको फ़ीस लगने वाली है वो सभी कोर्सेज के लिए लगभग 10 से 12 हज़ार 13 हज़ार इसी के बीच ही फीस ही लगती है, ओके। तो सभी कोर्सेज के लिए आपके गवर्नमेंट कॉलेज में 10 हज़ार 12 हज़ार ही फीस लगती है, तो फैशन डिज़ाइनिंग के लिए भी उतना ही लगेगी। बाकी यार, एडेड और प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उनमें तरह तरह की फ़ीस ज़्यादा भी होती है कुछ कोर्सेज के लिए, तो प्राइवेट कॉलेज पर डिपेंड करता है कि
कैसे फ़ीस ली, क्या फैसिलिटीज़ है, तो फैसिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि कितनी फ़ीस वहाँ पे होगी। तो गवर्नमेंट कॉलेज में मान के लिए 10 से 12-15 हज़ार ही फ़ीस होने वाली है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो लोग ये कमेंट करके पूछते हैं भाई मेरा इतना नंबर है तो यार मेरा एडमिशन हो जाएगा कि नहीं इस कॉलेज में, ग्रुप सी में मेरा इतना नंबर है, तो यार मैं आपको कन्फर्म नहीं बता सकता, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके आपने अच्छे स्कोर किए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि मैं आपको सीटें दिखा देता हूँ, काफ़ी सारी सीटें हैं, जो कि एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ सीटें। तो यहाँ पर यार मैं 2018 की जो कॉलेज वाइज मैं आपको सीटें अगर दिखा दूँ फैशन डिज़ाइनिंग के लिए, तो काफ़ी सारी सीटें हैं, आपको कॉलेज अगर आपने अच्छे स्कोर किए हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएंगे। ओके एक मिनट देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी सारे यहाँ पे देखिए गर्ल्स पॉलिटेक्निक के लिए यहाँ पे सीटें लिखी हुई हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ मुजफ्फ़रनगर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग में आपकी जो सीटें हैं यहाँ पे 5 सीटें, ऐसे हर कॉलेज में कहीं 50, कहीं 5, कहीं 6, ऐसे ऐसे यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएंगे करीब 60 सीटें मिल जाएंगी इस कॉलेज में, और यहाँ पे भी 6 सीटें हैं। तो इस तरीके से यार कई सारी सीटें हैं, अगर आपने अच्छे स्कोर किए हैं तो इस तरीके से आप सीट भी देख सकते हो, इस कॉलेज में इतनी सीटें हैं। तो यहाँ पे देखो 26 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे है कि बहुत सारी सीटें हर कॉलेज में आपको इसमें मिल जाएंगी। तो अगर आपने अच्छे स्कोर किए हैं तो आपके एडमिशन की गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और कोई डाउट हो रहे कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।